कालिदास गर्ल्स कॉलेज में 2,68,00,000 रुपए की लागत से नवीन अध्ययन कक्षों का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव और उद्यानिकी राज्य मंत्री कुशवाहा ने इस कार्य का शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री बहादुर सिंह कुशवाहा ने शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में 2,68,00,000 रुपए की लागत से नवीन अध्ययन कक्षों के निर्माण हेतु शनिवार 4 सितंबर को भूमि पूजन किया। विश्व बैंक परियोजना से नवीन अध्ययन कक्षों का निर्माण हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान, पारस जैन, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमंडला आदि उपस्थित थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के प्रारंभ में विधिवत पूजन अर्चन किया। संस्था की प्राचार्य वंदना गुप्ता ने अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त संचालक आरसी जाटवा, हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता नर्मल गुप्ता, उपयंत्री उपाध्याय आदि उपस्थित थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ साथ नवीन विषयों को खोलने का कार्य किया है। महाविद्यालयों में आने वाले समय में और बेहतर विकास के कार्य कर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो साइट सजाएंगे कोई लेना उनका नहीं था, लेकिन काल के प्रभाव में लोगों से मिले जुलने में संपर्क आया, उज्जैन में उन पर एक कृपा हो गई। तो एक व्यक्ति जिसके बारे में कह रहे थे कि जैसे किसी को उपमा देते ना कि जिस दाल में बैठे हो उसको काटो, तो ये उपमा थी उनके लिए, ये एक जैसे काल। लेकिन उनके जीवन की एक घटना थी, उस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। इस अवसर पर उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मन में कोई काम करने की चाह होती है तो निश्चित ही राह मिल जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं, अच्छे काम के लिए सबको बधाई। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के परिसरों में उद्यानिकी विभाग से जो भी मदद लेंगे उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर मैं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और उच्च शिक्षा मंत्री जी का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन मन में जब कोई काम की चाह होती है तो राहत तो निकल ही आती है। डॉक्टर